आ गया है सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी का ट्रेलर। बेसिकली ट्रेलर देखने के बाद हमें पता चलता है कि योद्धा मूवी की स्टोरी एक हाईजैक हुए एरोप्लेन पे होने वाली है। ट्रेलर में हमें जैसे देखने को मिलता है कि हाईजैक हुए एरोप्लेन में आर्मी ऑफिसर यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी होता है और बेसिकली वो अब हाईजैक एरोप्लेन को कैसे बचाएगा वो दिखाया जाएगा हमें। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद हमें हाईजैक से पहले की भी स्टोरी देखने को मिलती है। दरअसल ट्रेलर देखने के बाद हमें लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के पापा भी आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और उनका बेटा भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है और उनके नक्शे कदम पर चल गया और बन भी गया। उसके बाद वो ऑफिसर बन के अच्छे अच्छे मिशन पे काम करके वो एक टॉप का ऑफिसर बन जाता है और जब ये एरोप्लेन हाईजैक हुआ गलती से उसी एरोप्लेन में सिद्धार्थ मल्होत्रा होता है और कैसे वो एरोप्लेन के बताएगा बेसिकली वही दिखाया जाएगा हमें मूवी में। बात करें मेकर्स की तो जिन्होंने शेरशाह जैसी मास्टरपीस मूवी बनाई थी वह कर्स योद्धा मूवी लेकर आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है उनसे। इसके बाद एक्टिंग की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशि खन्ना की केमिस्ट्री बवाल लग रही है। इवन दिशा पटानी का काम भी डिसेंट लग रहा है। मूवी के ट्रेलर देखने के बाद लग रहा है कि मूवी के एक्शन सीन्स पर काफी ज्यादा काम किया गया है और एक्शन सीन्स शूट करने में मेकर्स ने काफी मेहनत की है। लेकिन अभी एक ही बात परेशान कर रही है इस ट्रेलर में कि मेकर्स यार मैं सब बॉलीवुड के मेकर्स को बताना चाहूंगा हर दूसरी मूवी में पाकिस्तान वाला एंगल क्यों डाल देते हो। ट्रेलर देखने के बाद तो लग रहा है कि इसमें भी पाकिस्तान वाला एंगल जरूर है क्योंकि एक ना एक चीज देख के पब्लिक भी बोर होती है कहीं ना कहीं। खैर मूवी आ रही है 15 मार्च को थिएटर में। तो आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजेदार खबरें के लिए आपकी अपनी चैनल पागल बॉलीवुड SM को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।